रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सदा की जो वीकली न्यूज़ है जी वो शेयर कर दूंगा। मैं देखें मैं मुख्तलिफ वीडियो शेयर करता रहता हूँ, खासकर ई काम एक्सपायर वाले बंदों के लिए, खासकर हरूब मतलूब वालों के लिए, खासकर बंदों के वीज़े शो नहीं हो रखे हैं, खासकर बंदों के ई नंबर नहीं निकल रहे हैं, बंदों के वीज़े स्टैंप नहीं हो रखे हैं, इन तमाम मसाइल के ऊपर बात करते रहते हैं हम। मैं इस वीडियो में भी आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दिखा दूंगा। रात को एक मैंने ई नंबर के मुतालिक वीडियो अपलोड की, उसमें भी दिखा दिया था। इस वीडियो में भी आगे आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दिखा दूंगा। आपको कोई भी किसी किस्म का मसला हो यार इससे रिलेटेड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भाइयों को रिप्लाई दे दूँ जल्दी से जल्दी। अगर किसी को लेट रिप्लाई मिलता तो माजरत खाऊँ भाई, हज़ारों के हिसाब से मैसेज होते हैं। यकीन कीजिए अभी भी मुझे व्हाट्सअप के ऊपर कॉल आ रही थी जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो बहरहाल कॉल मैं पिक नहीं करता, व्हाट्सअप के ऊपर रिप्लाई करता रहता हूँ। कॉल यार इतना टाइम ही नहीं होता व्हाट्सअप के ऊपर भी। यकीन कीजिए अगर मैं रिप्लाई करने बैठती हूँ तो भाई घंटों के हिसाब से लगा रखूँ मैं, इतने मैसेज होते हैं मतलब। बहरहाल वक्तन फ़क्तन मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। बात यह है जी इकामा एक्सपायर है, आपको पता शुरू था आपको पकड़ेगा एक दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद छोड़ देगा। हाँ अगर इकामा तीन से ज्यादा आपके एक्सपायर हो चुके हैं फिर आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ बदून के फील आप पकड़े जाएंगे, मिसाल के तौर पर आपका सायखा सामान मंजिल वगैरह वाला कुछ महीना है, आप बाहर काम कर रहे हैं, या ऐसे महीनों में वीज़ा एक्सपायर है और आप सॉरी इकामा एक्सपायर है और आप बाहर कहीं घूमते हुए पकड़े जाएंगे तो फिर आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। हरूब की सूरत में आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। ये बातें क्यों बता रहा हूँ यार, देखें ये जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है। आपने अच्छा एक चीज़ और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर पर भी दिखाता हूँ, इस सूरत में इन सूरतों में बोल रहे हैं आप बदून कफील रिपोर्ट हुए हैं, आप सफारा से आए हैं, आप खुज लगवा कर आए हैं, आप सफारा से आउट पास की सूरत में आए हैं, आप किसी केस के सिलसिले में पकड़े गए आए हैं, इन सूरतों में आप भाई दोबारा सऊदी अरब का अगर वीज़ा लेना चाह रखे हैं तो आप अपना स्टेटस मरहल पेपर मतार पेपर बोल रहे हैं वो ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, पहले किसी से भी करवा लीजिएगा। अगर आपका कोई भाई दोस्त अखबाब है तो उसे जद्दा में ये जो मकतब अमल है वहाँ पर भेज दीजिएगा, आपका पेपर वहाँ से निकलवा ले, या जद्दा सी एल के बाहर जो एजेंट बैठे होते हैं वहाँ पर जद्दा जवाजा से निकलेगा, ये कन्फर्म बात है। अगर आपने हमसे निकलवाना हो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप हमसे भी निकलवा सकते हैं ये काम, मैं भी इनके पार्ट टाइम में ये काम भी करते हैं, अगर आपने हमसे निकलवाना हो तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल न्यूज़ के मुतालिक अगर बात करें पिछले 6 से 7 दिनों की बात करें तो इनमें से 6 से 7 दिनों में तरहील सऊदी अरेबिया से जो बंदे डीपोर्ट किए गए, अभी किन सूरतों में डीपोर्ट किए गए ये आपको मैं तफसील बताता हूँ। पहले इनकी तादाद देख लें 12,765 वो अफराद वो गैर मुल्की हैं जी पिछले 6 से 7 दिनों में सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट किए गए, किन मामलात को लेकर सुन लें। मुखालफा निज़ाम अल इकामा यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं साथ में, ये तादाद कितनी है 9,259 अफराद भाई वो हैं जो मुखालफा निज़ाम अल इकामा, जिन बंदों के इकामे एक्सपायर थे, अभी इनकी तादाद देख लें 9,000 प्लस में बंदे पिछले 6 से 7 दिनों में गिरफ्तार किए गए जिनके इकामे एक्सपायर थे। यार इकामे कंपनी मुसलसल लगा ही नहीं रहे हैं, इकामों के रेट इतने हाई हो चुके हैं, बंदों ने बंदों को सूरतें पकड़ेंगे, हर दूसरे बंदे का तो इकामा नहीं है, 10 में से 1 बंदे का इकामा लगा होगा, ये तो सूरत हाल है, और वो भी कोई आज़ाद काम करने वाला या साय खास या अमल मंजिली। आगे जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से इंटर होते या निकलते हुए ये देख लें 4,899 है जी, ठीक है 4,900 बंदे बोल रहे हैं जी वो गैर मुल्की हैं जो पिछले 6 से 7 दिनों में सऊदी अरेबिया से गैर कानूनी तरीके से निकलते हुए या इंटर होते हुए पकड़े गए। आगे जी मुखालफा निज़ाम अल अमल ये वो बंदे हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं खास नज़र रखता हूँ, जो साय खास आमल मंजली या बदून कफील कहीं बाहर काम कर रखे हैं, कंपनी से बाहर काम कर रखे हैं, ये फर्दी मुसस्से वाले बाहर काम कर रहे हैं, छुट्टा इनको अगर पकड़ ले तो वो इसी जुमरे में आएंगे, यानी कि उनकी तादाद देख लें 2,491 यानी कि 2,500 बोल रहे हैं 2,500 तकरीबन बंदे बदून कफील वाले काम करने वाले जो पकड़े गए हैं। अगर टोटल की बात करें तो टोटल आप देख सकते हैं 16,649 अफराद वो हैं जो टोटल पिछले 6 से 7 दिनों में गिरफ्तार किए गए, इनमें मुखालफा निज़ाम अल इकामा, मुखालफा निज़ाम अल अमल, मुखालफा निज़ाम अल अमन अल हदूद एंड मुखालफा निज़ाम अल अमल, ये तमाम अफराद इसी में शामिल।